आवा न लिख दवढ़निया पे नाम जपते रहे सुबह शाम। आवा न लिख दवढ़निया पे नाम जपते रहे सुबह शाम। सब कोई अपना अपना भी कैटरीना को समझा दो, जो जिसका कैटरीना है आपको उसको बोल दीजिए कि जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक है ना बात अभी नहीं करेंगे, थोड़ा मोड़ा करेंगे। हाँ उसका भी एग्जाम। हाँ सही बात। हाँ अच्छा कोई कोई नया डायलॉग मारता लड़का लोग बर्बाद है लड़की के चक्कर में। अरे पागल, जितना लड़का बर्बाद उतना लड़की भी बर्बाद। सर बात है नहीं, जितना लड़का बर्बाद उतना लड़की भी बर्बाद। नहीं नहीं सुन, नहीं समझ में आया उतना, नहीं गहरा से समझ में आया, हम समझाते। अरे बाबू जितना लड़का, अगर वो लड़का लड़की चक्कर में बर्बाद है तो वो कुकरुज बतियात होता है, मतलब वो छोड़ी बर्बाद है ना। तो अगर मान लो 10 लड़का बर्बाद है लड़की चक्कर में, तो 10 लड़का तो 10 लड़की भी ना हुआ रे सरवण, 10 लड़की भी तो बतिया रहा है 10 से ना। इक्वल इक्वल, अब देखो इक्वल इक्वल तो इक्वल इक्वल बर्बाद हो गया है ना। कोई लड़का 2-3 को, मतलब लड़की की संख्या बढ़ गया, कोई लड़की भी तो 2-3 रे पागल ना। ना सरवण ते ने ना ना ले ले, लड़का इतना घटिया इंसान 5 रोजा 6 कसम गोटे खा जित ना, तुम्हारा कसम अपना कसम एकर कसम उकर कसम कुकर के कसम बेचकी कसम, कोई इतना घर कोई पे इतना मतलब हाँ कोई इतना खत्म दिन रात पार्टनर के कसम खाते रहता है। बोला हमारे पार्टनर के कसम, हम एक से बतियाते हैं तुम ही से बतियाते हैं, और सरवा 5-6 के बतिया लो मोटी भाई 5-6 को से सभी 5-6 जन कसम खा कर, तुम्हारा कसम मेरा पार्टनर के कसम, हम पार्टनर के मुंह पर हाथ रख के बोल रहे हैं कि हम तुम ही से बात करते हैं। फिर दूसरा का है था मेरा मालिक का कसम, मालिक का कसम काग बोल रहे हैं कि हम तुम ही से बात कर रहे हैं। तीसरा का है था कुकर का कसम, हम कुकर का सिटी कसम खाक बोल रहे हैं कि हम तुम ही से बात करते। इस तरह बाबू दिन भर झग्गर गिरी करके 5 के ठाक ठाक के ठाक ठाक के बतियाते रहता। फिर वही गाना गाएगा, सनम हम तुम्हारे चक्कर में बर्बाद थे, रात दिन व्हाट्सअप किया करते थे, जिसके कारण मैथम भुला गए और सनम हम तुम्हारे चक्कर में बर्बाद थे। समझा, एक जमा में जाएगा लिखा नहीं रहा लिखा नहीं रहा। समझा, फिर वहां लिख देता भाई लोग, सनम तुम्हारे चक्कर में हम बर्बाद हो गए, मैथ का क्वेश्चन में 19 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन बनाना था, सनम एक भी क्वेश्चन नहीं बना, रात भर हम व्हाट्सएप में तुम्हारे चक्कर में बर्बाद। क्या मस्त शायरी डायलॉग, वाह वाह वाह। सनम हम तुम्हारे चक्कर में बर्बाद। शेरवानी क्या तो सो पूछ रहा राजा, लहंगा क्या था सो क्या पूछना चाह रहा है। चलो पढ़ो रे राजा पढ़ो, एग्जाम है रे, रूटीन आ गया रे, रूटीन आ गया है, 16 एग्जाम है राजा, लहंगा होगा चक्कर में मत रहो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी, पहला क्वेश्चन है NC9 बराबर NC8। अरे देख रहे हो, देख रहे हो, पहला क्वेश्चन क्या है, NC9 बराबर NC8 किसका मान निकालना रे, NC17 का मान, NC17 का मान तब निकलेगा जब N का मान निकालोगे तब ना, क्या कोई दिक्कत। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कौन सा चैप्टर का है, कॉम्बिनेशन का है ना। कॉम्बिनेशन में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या से देखो याद करवाते हैं, NCX बराबर NCY रहता है। अगर NCX बराबर NCY रहता है तो इसका 2 रिजल्ट होता है बाबू। पहला रिजल्ट X बराबर क्या होता है बाबू, Y। X बराबर क्या होता है, Y। और दूसरा रिजल्ट X प्लस Y बराबर क्या होता है बाबू, N। अरे याद आया, जैसे एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल मान लो NC5 है और NC3 है, इससे आपको N का मान पूछा तो आराम से निकलेगा, आप बोल सकते हो सर N बराबर 5 प्लस 3, मतलब N का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। किन्हीं को कोई समस्या,
दूसरा क्वेश्चन बाबू, अगर बोल देगा 10C5 और 10C8, फिर बोलेगा सर एक्स का मान निकालिए, एक्स का मान क्या होगा, यही कॉन्सेप्ट से बनेगा बाबू। अगर ये दोनों समान तो ये दोनों भी आपस में क्या होता है बाबू, समान। यानी एक्स का मान कितना निकल जाएगा रे, 5। तिनी को कोई दिक्कत, इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन बनेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए जी, तो आइए इस क्वेश्चन में कैसे एम का मान निकालते हैं, देखो समझो। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ था NC9 बराबर NC8, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट से बोल सकते हैं n बराबर 9+8, यानी n का मान कितना निकल गया रे, 17। अब हम लोग को किसका मान निकालना था, NC17, n के जगह पर का बैठा दे रे, 17। 17C17 का फॉर्मूला, अरे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फैक्टोरियल आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, यानी ऊपर वाला फैक्टोरियल, नीचे वाला फैक्टोरियल, और फिर नीचे में दोनों को घटा करके फैक्टोरियल लिखा जाता है। चलिए आ जाइए, इसको तोड़िए, ऊपर में लिखेंगे 17 फैक्टोरियल, फिर नीचे लिखेंगे 17 फैक्टोरियल, फिर घटा के लिखेंगे 17 - 17 का कितना फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। अरे 17 फैक्टोरियल कट गया रे, 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 1। इसी के साथ पहला क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। किन्हीं को कोई दिक्कत, कितना आसान क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, दूसरा क्या है बाबू, देखिए an बराबर -1 का पावर n - 1 इनटू 5 का पावर n+1। क्वेश्चन बोला है बाबू कि आपको क्या निकालना है, प्रथम दो पद है ना, प्रथम क्या दो पद, एंड है ना फर्स्ट टू टर्म, मतलब आपको शुरू से दो टर्म निकालना है। इसका मतलब हुआ आपको A1 का मान निकालना है, A2 का, इसका मतलब A1 निकालना है, तो n के जगह पर कितना बटा देंगे रे, 1 रे, 1 कितना, 1। माइनस 1 का पावर कितना रे, 0। 5 का पावर 1 और 1 कितना, 2 ना हो गया, कोई भी संख्या का पावर 0 कितना होता है, 1। यहाँ हो गया 1, 5 का पावर 2 कितना, 25। आनी पहला टर्म कितना आ गया, 25 रे। अब आइए दूसरा टर्म निकालिए, मतलब एन के जगह पर कितना बैठाएंगे, 2। चलो बैठा दो जी, -1 का पावर 2 - 1 × 5 का पावर कितना 2 + 1 - 1 का पावर 2 - 1 कितना 1, और 5 का पावर 2 + 1 कितना 3। अरे -1 का पावर 1 - की प्लस -की प्लस -, है ना, और 5 के पावर 3 कितना 125। तो दूसरा टर्म कितना आ गया, -125। पहला टर्म रे 25, दूसरा टर्म रे -125। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्या हो गया, समान। शेरवानी क्या था, सो पूछ रहा राजा, लांगा क्या था, सो क्या पूछना चाह रहा है, चलो पढ़ो रे राजा पढ़ो, एग्जाम है रे, रूटीन आ गया रे, रूटीन आ गया है, 16 एग्जाम है राजा, लांगा होगा चक्कर में मत रहो। देखिए क्या बोला, तीसरा समझाते हैं, कहता है दो लाइन है L1 और L2, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। यदि L1 का स्लोप कितना है, 2, तो कहता है L2 का स्लोप कितना होगा। अगर डायरेक्ट अगर आंसर लिखोगे तो -1/2 होगा, क्योंकि जब भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर, और अगर x का स्लोप पता रहेगा तो दूसरा का स्लोप होता है 1/2, यानी पलट के लिख देना है और माइनस लगा देना, तो डायरेक्ट अगर लिखेंगे तो -2, लेकिन एक दो लाइन लिखना है, दो नंबर का तो एक दो लाइन लिख करके आंसर देना है। तो क्या करेंगे रे, गिवन क्या है, तीसरा क्वेश्चन ना, तीसरा क्वेश्चन क्या लिखेंगे बाबू, दिया हुआ है गिवन क्या दिया हुआ, गिवन टू लाइन L1 and L2 are perpendicular,
आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू ईच अदर। किन्हीं को कोई दिक्कत बाबू? अल्सो गिवन क्या दिया बाबू? अल्सो गिवन स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन का स्लोप कितना दिया हुआ रे? फर्स्ट लाइन मतलब L1 का मान, L1 का स्लोप, फर्स्ट लाइन मतलब L1 का स्लोप कितना दिया बाबू? 2। कितना दिया? 2। हम लोग मान लेते हैं बाबू, लेट स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन मतलब कौन सा लाइन? L2। कितना मान लिए? M2। कितना? M2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बाबू? अरे बोलो रे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? M1 into M2 = -1। क्या हो जाएगा राजा? M1 into M2 = -1 क्या हो जाएगा राजा? हाँ, क्योंकि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है रे। हाँ, जोर से बोलन खखैस के फोनवा में, जितना धीरे बोलेगा उतना धीरे यहाँ भी बोलना है। हाँ सर, बात है दोनों का है, दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर में दोनों का स्लोप को गुना करते तो -1 होता है। चलिए इसमें से M1 का स्लोप पता है ना? 2। चलिए 2 गुना M2 बराबर कितना? -1। तो M2 बराबर कितना रे? -1/2। इसका मतलब सेकेंड लाइन का स्लोप कितना निकल गया? सेकेंड लाइन का स्लोप कितना निकल गया बाबू? -1/2। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया? समाप्त। 4 में क्या बोला है? 4 में क्या बोला बाबू? फाइंड द एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण होता है ना? कौन नून कौन, नून कौन कर रहा है? सर्वन दसवा बढ़िया स्पर्श में नहीं करेगा तो यही लोग अरे नून कौन ना का बोले रहता है ना? अजीब अजीब है ना? दसवा बढ़िया से नहीं पड़ेगा, जहां तहां पड़ेगा, जैसे तैसे पड़ेगा। सर्वन ते सुनो, एक्यूट एंगल मतलब होता है न्यून कोण रे। एक्यूट एंगल मतलब, अरे एक्यूट एंगल मतलब रे न्यून कोण। न्यून कोण कहां से कहां तक? 0 से 90 तक। किन्हीं को कोई परेशानी? अब क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड लाइन ज्वाइनिंग 3, -1 and 4, -2। कहता है बाबू कि आपको एक्यूट एंगल निकालना है किसके किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, और एक लाइन है जो दो पॉइंट से जुड़ा हुआ है वो लाइन, और एक्स एक्सिस के साथ क्या निकालना है? एक्यूट एंगल। चलिए वो लाइन आपका दे दिया गया बाबू, कौन पॉइंट से जुड़ा हुआ रे? कौन पॉइंट से जुड़ा हुआ है? गिवन, मान लेते हैं पहला पॉइंट कितना, ये जिसका कोऑर्डिनेट कितना? 3, -1। दूसरा कोऑर्डिनेट कितना? P, जिसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 4, -2। तो एक लाइन बना AB, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रहा है? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल तो कहता है उसका मान निकालो। सुने जी क्या क्वेश्चन कर रहा है? कह रहा है एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच आपको क्या निकालना है? एक्यूट एंगल। कैसे निकलेगा बाबू? कभी भी हम लोग कोई लाइन का स्लोप जो निकालते हैं ना, वो एक्स एक्सिस के साथ ही ना एंगल निकलता है। अगर कोई भी लाइन का हम लोग स्लोप निकालते तो एक्स एक्सिस के साथ है निकल जाता है एंगल, है ना? तो हम लोग अगर इस लाइन का स्लोप निकाल देंगे तो वो एक तरह से एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल निकल जाएगा, और जो आएगा वही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? नहीं बुझाया? स्लोप होता क्या है बाबू? स्लोप का मतलब होता है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाना, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाना। उसमें एक्स एक्सिस आ ही जाता है, बोले चाहे नहीं बोले। अगर बोल दिया एक्स एक्सिस और नहीं भी बोलता तब वो स्लोप में एक्स एक्सिस आ जाता, समझे? नहीं भी बोलेगा तो स्लोप में खुद अपने आप कौन आ जाता है? एक्स एक्सिस। समझे भाई साहब? मोटू भाई समझ रहा? अब जैसे कोकरो शादी ब्याह हो गया तो तू जेंगे नाम लभी था मर्दवा नाय थे कि मर्दवा नाय बोल ही तू बदल जीते मर्दवा वो है ना? तो बाबू डिफिनेशन में है। मान ले कि तू कोकरो मरद ही,
अब तोर जहनिया कोई नाम लड़के कहा ही मंजली या कहा ही न तैकर मतलब तोरा अपने आप कॉमन सा बात हो कि तू अपने आप बाहर आ जाबी या तोरा थोड़ी कहतो कि मर्द कहाँ गया इसका मर्द कौन है ना तो डिफिनेशन ही हो गया है। तुम अपना जहनी शादी किया तो समझ लो कि तुम उसका एक तरह से फिक्स हो गया कि जे है सब तू ही है। तो उसी तरह लाइन के स्लोप में बाबू फिक्स है कि एक्स एक्सिस ऑटोमेटिक होता ही होता है। कोई भी लाइन के स्लोप निकालते तो उसमें एक्स एक्सिस अपने आप आ ही जाता है क्योंकि वो एंगल किसके साथ बनता है एक्स एक्सिस है। वही क्वेश्चन यहाँ भी है। बोला है कि आपको एक्यूट एंगल निकालना है इस लाइन का और एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर एक्स एक्सिस बोले चाहे नहीं बोले अगर हम इस लाइन का स्लोप निकाल देंगे और वह जो स्लोप आएगा उससे जो टेन थीटा निकलेगा उससे फिर जो थीटा निकलेगा वो ऑटोमेटिक एक्स एक्सिस के साथ ही थीटा वाला एंगल होगा। समझे जी? तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में केवल सिंपल आप इस लाइन का स्लोप निकाल दीजिएगा ना तो फिर यहां से टेन थीटा से जो थीटा का मान आएगा ना वही थीटा एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच का एंगल हो जाएगा और यही हो जाएगा आंसर। समझे मेरा बात को? नहीं समझे? चलिए चलो जी तो हम लोग क्या निकाल देते हैं स्लोप ऑफ लाइन। कौन लाइन रहे? ए बी। कैसे निकलता पॉइंट्स है? वाई टू माइनस वाई वन भागा एक्स टू माइनस एक्स वन। ऊपर आ गया माइनस वन नीचे कितना आ गया? चार में से तीन का कितना? एक। कितना आ गया रे? माइनस वन। ये किसके बराबर आ गया रे? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर कितना? माइनस वन। तो बताइए एक्यूट एंगल बोला है एक्यूट एंगल कहां से कहां तक होता है? जीरो से नब्बे डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल के लिए इसको क्या करेंगे? प्लस ना कर देंगे ना? क्या करेंगे? प्लस। तो यहां से थीटा बराबर कितना आ जाएगा बाबू? पाई बाय फोर। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थीटा बराबर पाई बाय फोर। किन्हीं को कुछ समझ में आया कि नहीं? है ना एक्यूट एंगल बोला है इसलिए प्लस कर देंगे। और कहां का एंगल निकालेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। क्योंकि एक्यूट एंगल कहां से कहां तक होता है? जीरो से नब्बे। तो जीरो से नब्बे के लिए वैल्यू को क्या करना होगा? प्लस। और जैसे प्लस किए आंसर क्या आ गया? पैंतालीस। और पैंतालीस कहां का एंगल है? जीरो से नब्बे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पैंतालीस। वही बात हो गया सनम हम तुम्हारे चक्कर में बदनाम थे। सनम हम तुम्हारे चक्कर में बदनाम थे रात भर व्हाट्सएप खेला करते थे। सनम हम तुम्हारे चक्कर में बदनाम थे रात भर व्हाट्सएप खेला करते थे जिसके कारण हम मैथ भुला ही गए। सनम तुम्हारे चक्कर में हम बर्बाद थे। उसके बाद हमको पवन सर पीएमसी क्लासेस से मुलाकात हुआ। फिर हम पवन सर का क्लास ज्वाइन किए। सनम पवन सर मैथ पूरा खुशी हंसी मजाक में पढ़ाए जिसके कारण फिर मेरा मैथ मजबूत हो गया। सनम हम मैथ को फिर से मजबूत कर लिए और तुमको हम भुला गए। सनम हम तुम्हारे चक्कर में बर्बाद हो गए। इस क्वेश्चन को एक तरीका से और बना सकते हैं। कैसे से देखिए बोला लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एक्यूट एंगल निकालो। तो हम लाइन का स्लोप निकाल लेंगे एक्स एक्सिस का स्लोप निकाल लेंगे और दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा बराबर मोड के अंदर में एम वन माइनस एम टू भागा वन प्लस एम वन इंटू एम टू। उस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखिए बाबू। देखिए एक लाइन है जो कौन पॉइंट से पास कर रहा है? थ्री कॉमा माइनस वन। और दूसरा कौन सा पॉइंट है बाबू? फोर कॉमा माइनस टू। किन्हीं को कोई परेशानी? अब आइए स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकालो जल्दी। माइनस टू में माइनस वन घटाएंगे प्लस ना, फिर भागा फोर माइनस थ्री माइनस वन भागा वन बराबर कितना बाबू? माइनस वन। अगर स्लोप ऑफ कौन एक्सिस रे? स्लोप ऑफ कौन एक्सिस रे? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है बाबू? जीरो ना रे। आप दोनों के बीच का एंगल निकालना कौन फॉर्मूला लगाएंगे? अरे कौन फॉर्मूला लगाएंगे? टेन थीटा एम वन माइनस एम टू भागा वन प्लस एम वन इंटू एम टू। चलिए एम वन का मान कितना है? माइनस वन। एम टू का जीरो। वन प्लस
M1 का -1, M2 का मान 0। चलिए इसको हल करो बाबू। -1 नीचे कितना आ गया 1, -1 भागा 1, -1 मोड से बाहर निकला कितना +1। टेन थीटा बराबर +1 तो थीटा बराबर 45 डिग्री, मतलब π/4। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया कंप्लीट। देखो पांचवा क्या बोला, कहता है कि x स्क्वायर बराबर कितना है -16y, तो क्या निकालना है इसका बाबू, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। बताइए ये किसका इक्वेशन है, पाराबोला का। क्या बोला, पाराबोला का इक्वेशन है। इसका सिमेट्री कौन एक्सिस होगा, मुंह किधर खुलेगा, नेगेटिव साइड ऑन वाई एक्सिस। मतलब अगर हम इसका फिगर खींचना चाहे रे, इसका हम फिगर खींचना चाहे तो ऐसे खींचेगा कैसे, अगर हम इसका फिगर खींचना चाहे रे तो ऐसे नहीं रे, किधर मुंह खोलेगा रे, वाई डैश तरफ ना रे। अरे किन्हीं कोई परेशानी, मुंह खोलेगा नीचे की तरफ ऐसे, बोला जो आज ना ऐसे। चलिए अब देखो लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालते हैं। लेटेस्ट रेक्टम निकालने का हम दो फॉर्मूला बताए थे, एक डायरेक्ट आंसर बोले थे, डायरेक्ट आंसर दे दीजिए लेटेस्ट रेक्टम का। लेटेस्ट रेक्टम है ना, लेटेस्ट रेक्टम का डायरेक्ट आंसर दे दीजिए 16 हो जाएगा। जो भी गुना रहेगा जिसका वेरिएबल का पावर 1 रहेगा, मतलब जो वेरिएबल इधर रहेगा जिसका पावर 1 रहेगा उसके साथ जो भी गुना है वही होता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का आंसर। माइनस में रहेगा खाली प्लस में आंसर देना, समझे जी। या तो दूसरा तरीका, इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करो लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला में, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4a इंटू के अंदर वाई, ये होता है कि नहीं, ये किसका वैल्यू होगा रे, ए का, यहाँ से ए का मान कितना निकल गया 4। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता रे, लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला रे 4 गुना ये का मान कितना 4। बताइए आंसर कितना आ गया 16। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। चलो 6 हम समझाते हैं। कहता राइट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.2, 3, 4 फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड क्या, केवल एक्स वाई प्लेन एंड वाई जेड प्लेन। बाबू एक पॉइंट दे दिया गया 2, 3, 4 3D में, और उससे डिस्टेंस निकालना है उस पॉइंट, और कौन कौन प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन। चलिए देखिए हम पहले इस क्वेश्चन को बनाने पहले कुछ समझाते हैं, मजा आ जाएगा समझने में। देखो नितेश, ये नितेश इन्हें देखते रहो। मान लो बाबू ये एक्स एक्सिस है, बाबू ये मान लो जेड एक्सिस है, और ये कौन एक्सिस है, वाई एक्सिस। 3D में 3 एक्सिस होता है ना। मान लो कोई दीवार का एक कॉर्नर नीचे वाला एक कॉर्नर एक्स का काम कर रहा है, नीचे वाला ही जमीन वाला दूसरा कॉर्नर वाई का काम कर रहा है, और जो ऊपर खड़ा है ये कॉर्नर वो का चीज का काम कर रहा है, जेड एक्सिस। आए समझ में। मतलब अगर अभी हम हाथ ऐसे अगर पकड़े ये आपको लटका दे तो ये जो आपका मार्कर है वो से 3D में लटका हुआ है, इसके नीचे वाई एक्सिस गया है, एक्स एक्सिस गया है, और वो आपका कौन एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस। तो इसी तरह बाबू 3D में एक पॉइंट लटकाया गया है और उस पॉइंट से डिस्टेंस पूछ रहा है, कौन कौन प्लेन से डिस्टेंस पूछ रहा है बाबू, एक्स वाई प्लेन से और वाई जेड प्लेन से। एकदम समझने वाला चीज है, मजा आ जाएगा बाबू अगर हम लोग इसको समझ लेंगे तो। थोड़ा सा हम लोग इसी तरह पॉलिटिकल समझते हैं, देखते हैं समझ में आता है कि नहीं। अगर पॉलिटिकल नहीं समझ में आएगा तो फिर हम लोग बोर्ड पर समझेंगे, और बोर्ड पर भी नहीं समझ में आएगा तो फिर बना लेंगे, नहीं उतार लेंगे, क्या समझा राजा, कोई दिक्कत है, फिर रट लिया जाएगा, लेकिन रटने का जरूरत नहीं, समझे रे, समझ रहे बुर्बक। देखो बाबू, देखो देखो तनु सुन सुनो। मान लो ये कोना कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, याद रखना राजा, ये वाई एक्सिस माने, इसको कौन एक्सिस माने, एक्स एक्सिस, याद रखना रे भड़ुआ, इसको एक्स एक्सिस माने, इसको कौन एक्सिस माने रे अमित, जेड एक्सिस, याद रहेगा, इन्हें की महिमा गात करे लगना, जेड मान लिया,
अब यहाँ एक पॉइंट को लटका दिए, पॉइंट लटकाना है रे राजा, पॉइंट लटकाना है। मान लो कि ये मार्कर को हम लटका दिए, क्या किए लटका दिए खोले पीछे लग गए, मान लो ये मार्कर को लटका दिए, ठीक है। अब ये मार्कर को लटका दिए बाबू, तो यहाँ तीन पॉइंट में ये लिखा गया इसका कोऑर्डिनेट, एगो एक्स का मान, एगो वाई का मान, एगो जेड का मान। अब बताओ इस पॉइंट का एक्स का मान कौन वाला डिस्टेंस कहलाएगा, ये वाला कि ये वाला कि ऊपर से जो नीचे आए शॉर्ट डिस्टेंस, कौन वाला का, इधर वाला कहलाएगा, इधर वाला कहलाएगा, इधर वाला कहलाएगा। मतलब वाई और जेड, इसको जेड माने थे, इसको वाई माने थे, मतलब वाई और जेड के दिवलवा से जो इधर आएगा परपेंडिकुलर, वो डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस बताएगा, एक्स का डिस्टेंस को बताएगा। मतलब वाई, अगर आपको ये वाई और जेड से डिस्टेंस वाला लिखना है थ्री डी में, तो केकर मान लिखना होगा एक्स का मान। अब आ जाइए, अगर आप वाई का हम पूछे वाई का डिस्टेंस बता, तो वाई इस एक्सिस को माना था, मतलब ये दिवलवा से आएगा, मतलब नीचे वाला एक्स था, ये जेड, तो ये दिवल, ये प्लेन कौन हो गया, एक्स जेड प्लेन ने, तो एक्स जेड प्लेन से जो डिस्टेंस आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कोई किस कौन सा डिस्टेंस को बताएगा, वाई कोऑर्डिनेट को बताएगा। और इसका मतलब कि अगर एक्स जेड प्लेन से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना है, तब किसका मान लिख देना होगा, वाई कोऑर्डिनेट का। समझ रहे बात को, अगर मान लो कि हमको जेड का डिस्टेंस लिखना है, तो किस कौन प्लेन से आना होगा, नीचे से आएंगे, नीचे में आप इसको वाई माने थे, इसको एक्स माने थे, ये ऊपर वाला जेड माने थे, तो अगर हम जमीन से ऊपर आएंगे ता कौन सा डिस्टेंस को बताएगा, जेड का। इसका मतलब एक्स और वाई से अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जा रहा है पॉइंटों पर, तो किसका कोऑर्डिनेट लिखोगे, जेड का कोऑर्डिनेट। कितना मस्त है बाबू, कितना आसान है समझना। और यही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन फिर से एक बार जल्दी जल्दी सुन लो, इस कोणक माने थे वाई, इस कोणक माने एक्स, ये कोणक माने वाई। अब एक पॉइंट लटकाए यहाँ, पॉइंट लटकाए, ये दीवार से हमको आना है, ये दीवार से आना है, तो ये दीवार से आना मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब वाई जेड से अगर पॉइंट के बीच हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे। वाई जेड से ओकर में एक्स नहीं है, इसका मतलब आंसर में एक्स कोऑर्डिनेट लिखा है। नीचे से अगर ऊपर आवे यानी एक्स वाई प्लेन से ऊपर आएंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहेंगे, तो केकर मान लिखेंगे जेड कोऑर्डिनेट। एक्स वाई प्लेन बोला अगर में जेड नहीं है, तो जेड कोऑर्डिनेट लिख देंगे ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाएगा एक्स वाई प्लेन और पॉइंट से। अगर ये प्लेन हुआ यानी एक्स जेड प्लेन से और ये पॉइंट के बीच का तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाह रहा है, तो केकर मान लिखना होगा वाई का। यानी अगर एक्स जेड से कोई पॉइंट का अगर डिस्टेंस निकालना चाह रहा है परपेंडिकुलर, तो केकर कोऑर्डिनेट लिख दो वाई। अरे जे प्लेनवा में जे ना रहता ओकर कोऑर्डिनेट लिख दे भी, वही हो जाता परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आंसर। कोई दिक्कत बाबू? चलिए, यानी हम ये कहना चाह रहे रहे, हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो 3D में एगो पॉइंट है, एगो पॉइंट है अल्फा बीटा गामा। अगर आपको पूछा कि एक्स वाई प्लेन और इस पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आंसर क्या होगा, ये पॉइंट और एक्स वाई प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आंसर क्या होगा, तो किसका कोऑर्डिनेट लिखोगे, जेड का। यानी मोड के अंदर में किसका कोऑर्डिनेट लिख दोगे, जेड का। मोड इसलिए लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं आना चाहिए ना, अगर पॉइंट का मान दिया हुआ कोऑर्डिनेट का मान दिया नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव करके लिखेंगे। आया बात समझ में? पल्ला पड़ा बात है ललन, पल्ला पड़ा बात न बुझाया, बुझा गया। अगर वाई जेड प्लेन से पूछे, वाई जेड से, तो केकर कोऑर्डिनेट लिखोगे, एक्स कोऑर्डिनेट। अरे समझ में आया रे? अगर आओ एक्स जेड से पूछे तो केकर कोऑर्डिनेट लिखोगे बाबू, समझ गया? बताओ इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा तो नहीं बना लोगे? कितना आसान हो गया, समझने वाला चीज है, समझने वाला चीज है, समझे? मान लो बाबू इसको अभी ये जेड एक्सिस माने, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, या अभी हम 3D जैसा भी एक थोड़ा सा
कंस्ट्रक्शन करते हैं, थोड़ा सा यहाँ भी 3D जैसा आप लोग को दिखाने की कोशिश करते हैं। मान लो इसको ऐसे मिला दिए बाबू, कोई दिक्कत रहे? इसको ऐसे मिला दिए, तनु सुने समझो रे, और एक ऐसे तनी मिला दिए हम, कैसे मिला दिए? ऐसे मिला दिए, देखो तो 3D जैसा रूप थोड़ी सुन ले लिया है, 3D जैसा रूप नहीं ले लिया है, नहीं ले लिया हम 3D जैसा रूप रे। अरे नहीं बुझा रहा है? अब मान लो यहाँ एक पॉइंट है, ये लग रहा कि जमीन एक बोडवाम सटल है लेकिन यहाँ लटकल है। मान लो एक पॉइंट है पी बराबर, दे दिया गया है पॉइंट, क्या दिया गया रे? कितना दिया गया रे? 2 3 4। मान लो 2 3 4, ये पॉइंट से अगर हम इधर जाएंगे, इधर 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 जाएंगे इधर है ना, अरे वो इधर जाएंगे नीचे, ये प्लेन से ऊपर उठेंगे तो ये प्लेन से ऊपर उठेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगा से केकर कोऑर्डिनेट से मिल जाएगा, जेड का कोऑर्डिनेट से नहीं रे, जेड का कोऑर्डिनेट से। देखो ये जमीन वहां से ऊपर उठा है तो ये जो ऊपर उठा है से केकर मान से पता चलेगा, जेड से। ये कौन प्लेन है? आप इसको कौन प्लेन बोल सकते हैं? एक्स वाई, एकर मतलब एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालना है तो फिगर से भी पता चल रहा है केकर मान, जेड का मान। बुझा रहा है बात? पल्ला पड़ रहा है कुछ? अब आ जाओ, अगर हमको इस प्लेन हुआ से नहीं, ये प्लेन कौन प्लेन हुआ? एक्स जेड ना, एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस निकालना है तो इधर से एक लाइन ऐसे आएगा, इधर से एक लाइन ऐसे आएगा पॉइंट वा तक। मान लो ये पॉइंट वा था, इधर से एक लाइन आएगा, ये जो लाइन वहां आएगा से किसका कौन किसका कोऑर्डिनेट को बताएगा? वाई का ना। तो फिगर से भी पता चल रहा है कि अगर एक्स जेड से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो केकर कोऑर्डिनेट लिखोगे रे? केकर कोऑर्डिनेट लिखोगे रे? वाई का। अब आ जाइए, ये कौन प्लेन? जेड वाई। जेड वाई मतलब ये प्लेन वहां से कैसे लाइन गया? ऐसे। ये प्लेन वहां से कैसे लाइन आया? ये प्लेन वहां मतलब ये दीवलवा, ये दीवलवा से ऐसे लाइन आया था, ऐसे आया मतलब कोई किधर आया? एक तरफ ना। तो ये प्लेन वहां से अगर डिस्टेंस निकालना मतलब जेड वाई से, तो केकर मान केकर कोऑर्डिनेट लिखोगे रे? एक्स कोऑर्डिनेट ना लिखोगे रे? कोई दिक्कत? अब आ जाइए, इसमें क्या क्या पूछा है? एक्स वाई प्लेन से और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताइए क्या आंसर होगा? पहला आंसर क्या होगा? एक्स वाई प्लेन से, एक्स वाई प्लेन से और इस पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे रे? जेड का कोऑर्डिनेट ना लिखेंगे रे? और जेड का कोऑर्डिनेट कितना है? 4 था जेड का कोऑर्डिनेट। आंसर कितना हो जाएगा? 4। यानी ये पॉइंट और एक्स वाई प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आंसर 4। दूसरा नंबर में क्या पूछा बब्बू? अरे वाई जेड प्लेन पूछा रे? अरे कौन प्लेन पूछा? वाई जेड। वाई जेड का और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस केकर मान लिखोगे? एक्स का। केकर मान लिखोगे? एक्स का कोऑर्डिनेट। अरे एक्स का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ रे? कितना दिया? 2। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया कंप्लीट। बहुत बढ़िया से 6 समझा दिए। 7-11 क्लास में नितेश एक कॉपी खरीदथुन, अब पूरा 11 बिता दथुन, और जहां शुरू में थुन कोई भी कोचिंग सर डेमो क्लास, सर डेमो क्लास दीजिएगा कि ना कुछ ना, और यार लो डेमो लिखल भी ना जान रहे थुन, 11 क्लास में कितना सब्जेक्ट और ना जान रहे थुन, खाली सुन लथुन कि मैथ पढ़ाओ पवन सर ने, के हको पवन सर बोलो है यूट्यूब में जो आजकल चल रहा ना, चल गला सर डेमो क्लास, सर सिलेबस कब खत्म होगा, सर NCERT पढ़ाइएगा कैसी सीना। अरे मुर्दा रहा, पहले देख ले किताबा रे के गो चैप्टर से पता कर ले, और जे पढ़ ले तो नहीं ओकरिन के हालत सुन ले रे, ले ला सरवा जय भी राजा जैसन बुर्बक आदमी पास, ललन जैसन खत्म आदमी जो सरवा आज तक न किताब लिया न कॉपी, ये सरवा एकर से सजेशन लभी कि भैया कहाँ जियो मैथ क्लास, बोल डेमो क्लास मिलता हो कि ना, बोल NCERT खत्म होता कि ना, बोल KCC ना खत्म होता कि ना, बोल सिलेबस कब खत्म होगा सर, है ना। पहले दिन एकदम छतिया टाइट करके, और मैथ में हो 100 नंबर नितेश, कितना मैथ में नितेश? 100 नंबर छोड़ा,
पांच दिन पड़ता एकदम छतिया टाइट करके चश्मा उस्मा लगा के तो एकदम, और छठा दिन से बाबू धसना शुरू ना होता, छठा दिन से धसबे नहीं करता हो रहा, मुंह खान अंधार करो लगता नितेश, ऐसे ऐसे करो लगता ऊपर नीचे एकदम पंखा उनका देखो लगता, नजरिया मिले भी नहीं करता है ना। सातवां दिन से हम हुर दे बाबू ढाई से रहा है बोल डे मौका चल रहा है ना। आठवां दिन से धीरे धीरे सरवा लाइन पर तो, तब समझ में तो रे सरवा यहाँ दसवां नक है कि कुछ भी लिख देवे, तेरह नंबर के राज तो कुछ भी समझली, यहाँ आई एस सी है। तब धीरे धीरे सरवा सीधा होता रास्ता पर तो, ओकर बाद सरवा अलेवन क्लास में कोई पढ़ो रे बड़ी भाई ना, ओकर बाद पता कर दो है नितेश कौन कौन आई है ना, फिर वहां से उसका व्हाट्सएप धनाधन चलेगा, फिर कौन डेमो क्लास कौन रिवीजन क्लास कौन केसी सिन्हा कौन एनसीईआरटी और कौन पवन सर, सब सरवा भुला गला ना। सप्ताह में है तो एक दिन सर प्रणाम सर, सर रिवीजन क्लास मिलेगा सर है ना, इतना हालत खराब अलेवन मेरे बाबू सरवा। फिर बाद में बोला तो गलती साइंस ले लियो पागल थे ना, हमारे बाबू जी कल को सेवर ले लिया हमारा लोग थोड़ी मान लो ये राजा जी सर है ना, बोला हमारा लोग मानना है सरवा, इतना मतलब स्थिति खराब हुई और शुरू में ऐसा करो तुम कबाड़ देंगे पवन सर के पीछा कर देंगे हम भी नौकरी निकाल लेंगे। अरे मुर्दरा पढ़ ही पहले रे, पहले ट्रिगोन मैट्रिक तू बढ़िया से पढ़, जहाँ थीटा उटा देखल को एंगल तेंगल ओकर आँख एकदम ऐसे से हो लग, मुँह कान एकदम बाबू कुकर जैसा हो लग समझो नितेश, तब पढ़ना होगा ललन एक टेंशन हो गई सर ले ला के पढ़ा लेवन ढंग से रे सर बात ने देखो दाल भात खाली खा का क्या लेवन बिताया ना राजा सर मैंने ने एक कॉपी लेके लेवन खत्म कर दिया रे। ए जा पढ़ा बाबू दौड़ा उड़ा पढ़ा का बाबू, तब मुड़ा पर रुमाल उमाल बांध लिया रे, हाँ शादी भी है तिलक उलक हो रहा का हाँ देखा देखा लड़की देखा लड़की देखा, ये गर्मी बर्दाश्त ना रह जाए पहले जमा लिखो रे सर बनते ने, हम इतना दिन से कुछ न कुंवारे हैं हमरा ना हो रहा है हम आदमी ना है, आइए हम सेवन नंबर समझाते हैं। देखिए कहता है एक क्वाइन इज ए टॉस एंड ए डाई इज ए थ्रोन राइट दिस सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। देखो बाबू ये जो देखो सेवन में बोला एक क्वाइन को उछाला गया है और एक लूडू का गट्टी को जिसको क्या बोलते हैं है ना पासा इंग्लिश, लूडू का गट्टी को इंग्लिश में डाई या डाइस बोलते हैं, बहुत सारा रहता है उसको डाइस बोलते हैं। क्लियर जी अब आ जाइए क्वेश्चन क्या बोला एक क्वाइन और एक डाई को फेंका गया है तो बताइए सैंपल स्पेस में कितना सारा एलिमेंट होगा। अरे बाबू देखो सैंपल स्पेस में कितना सारा एलिमेंट होगा, अरे लूडो गड्डी खेले हो ना रे चोरवन खाली चोरी कर करके जीता है रे हाँ ना, एक रिन ऐसा ना कि चाचा लोग के भी नहीं छोड़ता, चाचा तो नहीं होने देंगे ढकर ढकर करके ले लेल कुछ, और कोई इतना बड़ा चोर वो तीन बार छक्का ले लेल का तब मेन का चोरवा को तब तीन बार ले ली रे पार्टनर, अब तो अब चली तो अब चल लो एक आर लो खाली एक आर लो एक आर लो, तब तब मेनका चोरवा तीन बार रंगा रंग कलर कर दल को ना, मेनका चोरवा तब तक तीन बार जीत गला चार बार जीत गला और छोटका चोरवा के आर लो एक आर लो, तब छोटा चोर जो भी लूडू गठी में रहता पहले पता कर लो ये चारों मेन चोर कौन है, वो मेन चोर से कुछ टिप्स ले लो उसके बाद खेलो रे सरवा देने। सब लूडू के गट्टी में एक चोर होता है और वह जीतता ठाक ठाक के हाँ ना, कुछ ना कुछ बोलता तोरा घुरा दे तो लगता मीठा मीठा बोल ले, तब तक देख लो अगर सरवा छक्का अगला जान है ना गोटिया बा अगर छक्का ना आए लतको तो गोटू देखली ना देखली तोरी ने ध्यान ना दली बोल गोटिया बाहर चल गलो ऐसे हो गलो और सरवा फिर से चलता अभर में छक्का ले, मेन चोरवा ऐसे हाथा घुसा पकड़ ले रहता अच्छा मेन चोरवा एक बार ऐसे पलट देता तो छक्का आता, तब बता कि कहा अंगुलिया कौन नंबर पर दबे ले रहता एक पर रे एक पर
काय की लूडो के गट्टी में अपोजिट फेस को जोड़ने पर सेवन आता है। अपोजिट फेस को जोड़ते हैं तो सेवन आता है। आज सुन लो, तो अगर एक तरफ एक रहेगा तो दूसरा तरफ छह रहेगा। तोरा एक लाना तो छक्का के अंगुलिया ऐसे दबा कर ऐसे चल दे एक आज तो समझे। कभी कभी एक लावे में शरबत तीन दिन लग जाते चोरवा रोवो लगलो कांदो लगलो हमारे एक नारलो हम ना खेलबो ना खेलबो शरबत चोरी कर करके छे ले ली। तो लूडो के गटियो ना जाना कि अरे चोरवा तोरा एक लावे में हालत खराब। लेकिन वो चोरवा साइंस पढ़ लेना कि शरबत छक्का के उंगलियां दबा कैसे चलवा दे कहते हैं। कभी ट्राई करा तो बड़का चोरवा देख ला अरे बाबू अब बड़का चोरवा मजा ले रहा कि चार ही दबेल का ये कहते हैं बड़का चोरवा मने मने हंस रहा हंस रहा हंस रहा। अंतिम में बड़का चोरवा बता दो कि तुरा एक लावे खला तो छे पर नहीं रखा थी दबा के तब छोटका चोरवा को रही है सरवा तकनीस कहानी बतेली कैसे बता दे तो बड़का चोरवा भी जीते खला न। लूडो के गट्टी के मतलब चोर लोग के खेल। चार गो चोर जमा हो जाएगा उसमें उसमें जो मेन चोर है उसका पता हो जाएगा और जो बुर्बक चोर है उसका पता हो जाएगा। तो लूडो का गट्टी के कहानी से आप क्या समझे बच्चे लोग कि दो चोर को पता चलता है कि बड़ा चोर कौन है और छोटा चोर कौन है। अब तुम लोग सोच रहे कि जो दो गो आ रहे से सब वो सब बुर्बक है बुर्बक वो सब लेला है वो सब कुकर है राजा है राजा और अमित है अमित ये दो गो बुर्बक समझा। और मेन चोर उसमें जो बड़ा और छोटा चोर है सो कौन है बाबू ललन पवन सर ना सर। देखो अब क्वाइन भी फेंका गया इस क्वेश्चन में देखिए क्वाइन भी फेंका गया है और लूडो का गट्टी यानी डाई डाई फेंका गया है तो सैंपल स्पेस में क्या एलिमेंट होगा से देखिए बाबू। अगर हम क्वाइन फेंकेंगे मान लो हेड आया उसके बाद लूडो गट्टी भी फेंकना है तो मान लो एक आया तो पहला एलिमेंट क्या होगा एच वन समझ रहे बात को। पहला एलिमेंट क्या होगा एच वन हो सके हेड आया दूसरा एलिमेंट दो आया तो एच टू अरे बोलो हा या ना समझ रहा है। तीसरा एलिमेंट एच थ्री चौथा एच फोर पांचवा एच फाइव छठा एच सिक्स कोई सातवा बोल रहा है एच सेवन अरे सर लूडो गट्टी में सात हो रहे अजय छवे तक ने हो रहे छक्का तक हो कहा था छक्का तक चलिए यही रुक गया। हो सके क्वाइन में टेल आवे तो टेल वन टेल टू टेल थ्री टेल फोर टेल फाइव टेल सिक्स यही हो गया सैंपल स्पेस का टोटल एलिमेंट। वैसे भी एक बार क्वाइन को फेंकते हैं तो के गो आता है दो गो। एक बार लूडो का गटिक फेंकते हैं के गो एलिमेंट आता है छह गो। तो टोटल एलिमेंट दो गुना छह बराबर कितना आएगा बारह गो यानी सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट बारह होगा। अरे किन्हीं को कोई शेरवानी में परेशानी किन्हीं को कोई दिक्कत समझ गए बात को। अरे कोई सोच रहा है नहीं कि एच वन एच टू लिखल का ओकर बाद टी वन टी टू लिखल का अब लिखते वन एच टू एच थ्री एच अरे भड़वन एच वन लिख चाहे वन एच लिख अरे ये के बतियान भले ही रे कहां कहां से आ जाता है रे सर्व कहां कहां से आ जाता है रे हां कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सनम सनम के चक्कर में सनम सनम किया करते थे सनम मिली नहीं आवद आवन लिख दे ओढ़नी अपना जपत रह सुबह शाम आवन लिख दे ओढ़नी अपना जपत रह सुबह शाम। क्या बोला नोमा में इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर कितना दिया हुआ दस एंड आठ कहता वो दोनों नंबर निकालिए। देखो नोमा में क्या बोला है बाबू नोमा में दो नंबर है ए और बी ये ए और बी का अर्थमेटिक मीन दे दिया बाबू कितना रहे अरे कितना दिया हुआ दस दस और आठ रे अर्थमेटिक मीन दस एंड हुआ रे वो ज्योमेट्रिक मीन नहीं रे
कुछ सर्वन के नहीं बुझाता है का कही सब लिखेगा सर्वन के। अरे इसने इसने लड़का से इंटरवाम चल गया, पहले पता कर तो हमारे बगल में बैठल के हो ना, अगल बगल देख लो तो के करो, जब तक अगल बगल बाबू सीटवा ना भरता मतलब ना बैठता तब तक लिखबन कर दो, ना लिखबो ना लिखबो, देख लड़का बगल में बैठ गया सरवा कौन एग्जाम कौन रोल नंबर कौन एडमिट कार्ड हम कहाँ हैं हम कौन हैं। बगल वाला तब ठीक चल रहा ने पढ़ के आई कि नहीं, तब बोल तुम ही तो है तुम्हारे ऊपर भरोसा मेरा, बताएगी कि नहीं क्वेश्चन सरवन ऐसा ऐसा बात पूछा तुमने और ऐसा ऐसा सजेशन दबो लगा तुमने ऐसा 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 सरवा भड़ुआ के मुहा देखे कुकर जैसा ना कड़ाही जैसा ना हाँ ना बर्नर जैसा ना बर्नर जैसा और लड़कियां पूरा सजेशन दे रहा नहीं नहीं ऐसे बनेगा पढ़ा करो तुम आई सी अच्छे से पढ़ा करो ये करो वो करो। अरे ढक्कन मुर्दा रहा डायरेक्ट नंबर वे मांगी रे उतना जे घुरा रही सरवा ऐसा से नहीं नहीं पढ़ती है कि नहीं गलत बात है पापा धोखा दे रही तू ऐसा मत कर मोबाइल से दूर रहो। अरे सरवा थोड़े भी समय रहा अरे बाबू तुझे न चढ़ा रही ना हम चढ़ा वो ही है हम चार गो डेली चढ़ा वो ही है हाँ ना बोल तोरो चढ़ाई वो निकल दे नहीं जमा छोड़ी ठाक ठाक नहीं नहीं ठीक बोल रहा है तनु सुन तीसरा बता दू नहीं नहीं चौथा बंद बना लिया तनु सुन बता ठाक ठाक के छोड़ी बाहर में तब बना लिया था मिलते हैं कल छोड़ा देखते रह गलो अंधार करके हाँ इसने इसने लड़का के साथ ये सब होता है कहानी देखो तो ए और बी का अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है 10 आनी दो संख्या का अर्थमेटिक मीन दे दिया है 10 तो अर्थमेटिक मीन का हम फार्मूला बताए थे दोनों संख्या का जोड़ भागा 2 बराबर किसका आंसर आता है अर्थमेटिक मीन का आंसर कितना दे दिया है 10 तो यहां से a प्लस b बराबर 10 × 20 रिजल्ट नंबर 1 आल्सो गिवन। अरे और कुछ दिया हुआ रे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b कितना दिया हुआ 8 और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू रूट के अंदर में पहला संख्या गुना दूसरा संख्या वो किसका रिजल्ट आता है ज्योमेट्रिक मीन का और ओकर मान कितना दिया हुआ 8 इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे रे SBS मतलब सुअर बैल सुअर भी होता ठीक ना लेकिन यहाँ फर्स्ट ईयर स्क्वायरिंग बोथ साइड है। अरे इधर रूट हट जाएगा रे 8 का स्क्वायर कितना 64 इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और ए और बी का मान निकाल देखिए कैसे निकालते हैं देखो देखो कैसे निकालते हैं। अरे इक्वेशन 1 से किसी का भी मान निकाल लो मान लो बी का मान निकाल लो तब 20 माइनस ए आएगा कि नहीं बी का मान निकालेंगे तो लिखेंगे बाबू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 से बी का मान 2 में बैठा देते हैं चलिए बी का मान बैठा दीजिए 20 माइनस ए बराबर 64। अब इसको ब्रेकेट तोड़ो 20 ए माइनस ए स्क्वायर बराबर 64। अरे ये दोनों किधर ले आ इधर इधर ले आइए तो इधर आएगा तो ए स्क्वायर माइनस 20 ए प्लस 64 बराबर 0। अरे फैक्टर करो ए स्क्वायर माइनस 16 ए माइनस 4 ए प्लस 64 बराबर 0। अरे कॉमन ले लो ए माइनस 16 माइनस 4 कॉमन ले लो ए माइनस 16। अरे ए माइनस 16 एक ब्रैकेट में ए माइनस 4 एक ब्रैकेट में ए का मान यहां से 16 और 4 आ गया पहला जो नंबर है से वो 16 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है तो पहला नंबर अगर 16 होगा रे नितेश तो दूसरा नंबर कितना होगा रे दूसरा नंबर 20 माइनस 16 बराबर 4। अगर पहला नंबर 4 होगा नितेश तो दूसरा नंबर कितना होगा नितेश 16 तो ए बराबर 16 तो बी बराबर 4 पहला आंसर ए बराबर 4 तो बी बराबर 16। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हो गया। किन्हीं को कोई परेशानी किन्हीं को कोई तकलीफ चलो हम 10 नंबर समझाते हैं। देखिए इधर कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर राइट मतलब 90 डिग्री बाइसेक्टर मतलब दो बराबर भाग में बांटने वाला
ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 0.3, 4 एंड -1, 2। अरे कहता एक लाइन है, देखो अजय इधर देखो, एक लाइन है जो दो पॉइंट से जुड़ा हुआ है, 3.4 और -1.2 से। एक लाइन है जो दो पॉइंट से क्या है, जुड़ा हुआ है, समझे। मान लिया उस लाइन को ए बी, इस लाइन पर एक दूसरा लाइन है बाबू जो परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर, और इसको कितना बराबर भाग में बांट रहा है, दो बराबर भाग में। तो कहता है जो परपेंडिकुलर है दो बराबर भाग में बांट रहा है उसका इक्वेशन निकालो। तो मान लिए वो लाइन कौन सा है बाबू, पी क्यू, कौन सा लाइन है, पी क्यू, यानी किसका इक्वेशन निकालना है रे, पी क्यू का, किसका निकालना है, पी क्यू का। अरे कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट और स्लोप चाहिए, पॉइंट और स्लोप चाहिए। यहाँ पी क्यू का कुछ नहीं दिया है, ना पॉइंट दिया है ना स्लोप दिया है, लेकिन जो बात बोला है वो बात से पॉइंट भी निकल जाएगा और स्लोप भी निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, सबसे पहले बोला है कि पी क्यू ऐसे ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, एक मतलब क्यू जो होगा से ए बी का मिड पॉइंट होगा, और जब मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट के फॉर्मूला से क्यूब निकल जाएगा। उसके बाद ए पी क्यू बोला ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो ए बी का तो स्लोप निकाल लेंगे, और जो लाइन परपेंडिकुलर रहता है उसका स्लोप में हम लोग जिसका पता रहता है उसको पलट करके माइनस चिन्ह लगा देते, स्लोप भी निकल गया, पॉइंट भी निकल गया, इक्वेशन आराम से निकल जाएगा। सुन रहे बात को, अब आइए लिखेंगे बाबू गिवन। अरे देखो इधर, देखो इधर है बाबू, देखो इधर, गिवन लाइन पी क्यू, लाइन पी क्यू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ना, एंड एंड बाइसेक्ट, बाइसेक्ट ऑफ द लाइन, कौन लाइन, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ऑफ द लाइन, कौन लाइन रे, ए बी। इसका मतलब दैट इज Q इज द, अरे Q इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, कौन लाइन रे, ऑफ द लाइन ए बी। एक मतलब Q का मान निकालना चाहेंगे तो मिड पॉइंट के फॉर्मूला से दोनों x को जोड़िए, दो से भागा दीजिए, दोनों y को जोड़िए, दो से भागा दीजिए, कितना आ गया बाबू, कितना आ गया रे, 1 और 3, यानी क्यू का मान कितना आ गया, 1 और 3 निकल गया क्यूब। अब निकालेंगे स्लोप, किसका स्लोप, पी क्यू का, उसके पहले स्लोप किसका निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी का, कितना आएगा बब्बू, y2 - y1 भागा x2 - x1, किन्हीं कोई दिक्कत, अरे हाँ या ना बोलो, 1/2, लेकिन हमको स्लोप निकालना पी क्यू का रे, स्लोप ऑफ पी क्यू, अरे पी क्यू ए बी पर परपेंडिकुलर है ना, तो ए बी वाला का स्लोप को पलट देंगे और खाली माइनस लगा देंगे, कितना आ जाएगा पी क्यू का स्लोप, -2। पी क्यू का स्लोप भी पता चल गया, पॉइंट भी निकल गया, बताइए इक्वेशन निकलेगा कि नहीं, क्या होगा इक्वेशन बाबू, क्या होगा इक्वेशन रे, देखिए क्या होगा इक्वेशन, क्या होगा इक्वेशन, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, y-y1 बराबर स्लोप इंटू x-x1। अरे y1 के जगह पर कितना बता दें, 3, स्लोप के जगह पर -2, अरे x1 के जगह पर कितना, 1, ब्रैकेट तोड़िए, ब्रैकेट, ब्रैकेट तोड़िए, 2x को इधर ले आओ, 3 को इधर ले आओ, फाइनल आंसर आ गया y+2x = 5। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हो गया, खत्म।